देश के महान सपूत, महानायक, अपने परिवार के सदस्य विशाल पांडे जी के परिवार में आए हैं और आज दो बहनों से हम लोगों ने राखी बंधवाई और इनको ये बच्चों को कभी ये महसूस न हो कि इनका भाई नहीं है, इनके सैकड़ों और हजारों भाई हैं जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार के साथ हमेशा जिंदगी भर खड़े रहेंगे। इसके तहत आज हम लोग इस रक्षाबंधन पर हम सभी हमारे साथी नौ हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे जिला कांग्रेस के राजेश्वर जी, शहर कांग्रेस के हमारे राघवेंद्र जी, मयंक जी, सभी लोग आज हम लोग ये पूरी टीम के साथ, मनीष जी, सब लोग आए हैं। ये आज पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार इस परिवार के साथ लगातार संघर्ष में भी खड़ा रहा। उस समय भी प्रियंका गांधी जी इनके घर आई थी और आज हम सब लोग रक्षाबंधन के अवसर पर इस परिवार के साथ और इस दोनों बहनों से हम लोगों ने राखी बंधवाई है और इनके साथ वचनबद्ध हैं जीवन भर खड़े रहने के लिए। मैं तो इस परिवार का सदस्य हूँ, बड़े भैया से भी संबंध थे हमारे विशाल पांडे जी के, बड़े इनके पिताजी से, तो मैं समझता हूँ हम लोग परिवार के सदस्य के नाते भी हैं और प्रतिनिधि। आज बनारस किसी देखिए, कोरोना की महामारी में जो पूरा बनारस इसमें चपेट में है, पूरा बनारस परेशान है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जहाँ स्ट्रेचर से बॉडी ले जाई जा रही हो, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा हो, तो उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। और इस शहीद परिवार के बारे में तो आके बड़ी बड़ी बात वो कहे थे और हुआ कुछ नहीं। आप लोग आने से और आप लोगों का स्नेह मिलने से और कष्ट दूर हुआ और उत्साह भी बढ़ा जो है। अभी तक का प्रयास क्या रहा? आप सरकार ने दावे भी बहुत किए थे। सरकार जो उस समय दावे की सलामी देते समय शासन प्रशासन ने जो भी दावे किए कि उनके नाम पर मूर्ति लगाई जाएगी, सड़क का नाम रखा जाएगा, शहीद के आवास तक चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और इस तरह के दावे करके और एक पीड़ा पहुंचाना है, कुछ भी आज तक नहीं किया गया।